अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड विद ज़किया। आज मैं बना रही हूँ रेड चिली पास्ता सॉस, जो कि बहुत मज़ेदार है और बहुत ही इजी बन जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, जैसे मैं आपको बताऊँगी। अभी चैलेंज की तैयारी शुरू करते हैं। सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। अब इसमें हम सारी सब्ज़ियाँ जो है ना सोते करेंगे, जो मैंने रखी हैं सब्ज़ियाँ। मैंने ये एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, दरमियानी नहीं बड़ी है, थोड़ी सी ये मैंने बंद गोभी ली है, बिल्कुल थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च। इन सबको हम सोते करेंगे तकरीबन 3-4 मिनट। आज टेस्ट कर देंगे। ज़्यादा देर नहीं करनी है, बस 3-4 मिनट करनी है इनको, हल्की सी ये सिक जाए। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसमें हरी प्याज डाल सकते हैं, ये सादी प्याज ना डालें, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं डालती हूँ। सब्ज़ी मैंने सोते करके निकाल ली है, ये देखें, ये सब्ज़ी सोते हो गई है। इसमें मैंने 1 चम्मच यूज़ किया था ऑयल। अब मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में फिर, और मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालूँगी। आज टेस्ट कर दूँगी ज़ीरा डालने के बाद। इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा लहसुन कूट लिया है, मोटा मोटा धरधरा सा फूट लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। और एक हरी मिर्च ली है, ये अभी थोड़ी देर में डालूँगी। थोड़ी सी देर लहसुन को होने देना, लहसुन अदरक को, जीरा भी उसी के साथ हो जाएगा। लहसुन अदरक में से खुशबू आने लगी है, अब इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे। चूल्हा मीडियम ही रखेंगे, चूल्हा मीडियम चूल्हे पे ही पकाएंगे इसको भी। अब हम इसमें घर की बनी शेजवान सॉस 3 बड़े खाने के चम्मच या 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच डालेंगे। ये घर की बनी शेजवान सॉस है, मैंने इसकी पहले आपको रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैं इसको थोड़ा सा चलाएंगे तो थोड़ा चूल्हा तेज़ कर देंगे, मसाले को आपस में मिलाएंगे। बहुत कलरफुल, बहुत अच्छे से मज़ेदार सी बनती है सब्जियों की रेड चिली पास्ता सॉस। थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। देखें इसमें अच्छे से उबाल आ गए, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 प्याली केचप। केचप डाल के इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। इसमें डालना है आप सॉसेस डालना है तकरीबन 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ओस्टर सॉस और 1 चम्मच रेड चिली सॉस। इनको डाल के अच्छे तरीके से मिलाना है।
फिर तमाम सब्ज़ी जो आपने सोते करके रखी है जब ये मिल जाए इसी तरीके से, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना इसको। जैसे कि आप देख रही हैं कि ऑयल अलग ही है इसका हुआ हुआ, नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि नमक आखिर में चेक करके डालेगा। अब अभी इसके अच्छी तरीके से उबाल आ गया है, सोते की ये भी सब्ज़ी है वो सारी इसमें डाल दें। चूल्हा हल्का करें, ये सारी सब्ज़ी इसमें मिलाएं। मैक्रोनी मैंने उबालते हुए नहीं वीडियो बनाई है, वो तो हर कोई बना सकता है, आराम से उबाल सकता है इसको, तो मैंने उबाल ली थी इसको। अब मैं सिर्फ इसमें आपको डाल के दिखाऊंगी। मैक्रोनी मैंने लिए है, मैंने ये इस तरह की शेप की भी ली है, एल्बो भी ली है और थोड़ी सी स्पेगेटी भी डाल दी थी। ये तकरीबन 800 ग्राम तो मैक्रोनी और ये सब चीज़ें होंगी। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी पेस्ट में। और फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, सारे के मसाले को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करूँगी। इसका बहुत अच्छा कलर आएगा जब मैं मिक्स करके आपको दिखाऊंगी दम पे लगाने से पहले। ये मैंने बहुत अच्छे से इस तरीके से मिला ली है और मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। मैं आपको फिर बता रही हूँ इसमें मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि शेज़वान सॉस में भी नमक होता है और स्पेगेटी और ये मैक्रोनी जब उबलती है तो इसमें भी नमक होता है, इसमें नमक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कम लगे तो आप बेशक डाल लीजिएगा, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डालेगा वरना नहीं डालेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी देर के लिए दम पे लगाना है तो इससे ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आता है, मज़ेदार सा, जो ना एक खूबसूरत मज़ेदार सी लगती है बहुत। ये मैंने इसमें डाल दिया और तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मैं इसको ढक के कवर करके हल्की आंच पे छोड़ दूंगी जब तक ये पिघल ना जाए। मैक्रोनी हो गई हैं, चीज़ पिघल गई है, तकरीबन इसको होते हुए 4 मिनट हो गए दम पे लगे हुए। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ये देखें बहुत अच्छे से पिघल गई। फिर अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। मैं रेड चिली पास्ता सॉस बनके तैयार हो गई है। इसमें अगर आपका दिल चाहे तो थोड़ा सा ऑरेगानो डाल दें, और अगर ना हो तो कोई मसला नहीं, ये भी चीज़ की तरह ऑप्शनल है। हल्का सा डाल दें, मतलब ये खुशबू के लिए मैंने बहुत हल्का सा डाला है, तकरीबन 1-2 चुटकी, और ये बहुत मज़ेदार और बहुत जायकेदार बनती है। क्योंकि मुझसे सबने कहा था कि जो आपने शेज़वान सॉस बनाया इससे क्या क्या रेसिपी बनती है, इससे बहुत सी रेसिपी बनती है, ये बहुत सारी चीज़ों में ट्राई होता है। जैसे मैंने पास्ता बनाया रेड सॉस पास्ता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।